वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि अपोजिशन को बल्दियाती इंतखाबात से इधर उधर नहीं भागने देंगे, सियासत और खेल में हार जीत लाजम व मलजूम है। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि अपोजिशन को बल्दियाती इलेक्शन से इधर उधर नहीं होने देंगे, सियासत और खेल में हार जीत लाजम व मलजूम है। अपोजिशन जमातों के कायदीन गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाना चाहते थे, जबकि हमने कायदे पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया। पीटीआई इक्तदार और अख्तियार ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहती है। बल्दियाती इलेक्शन अब किसी सूरत मुलतवी नहीं होने देंगे। बल्दियाती इलेक्शन करवा कर कश्मीर बदलेगा, ये मेरा ख्वाब है, इसको पूरा करूंगा। रियासत अंदर हर पार्टी के उम्मीदवार को सलाम पेश करता हूं, जो इलेक्शन के हामी हैं। एक हफ्ता के दौरान पीपल्स पार्टी के 64 उम्मीदवारों ने पार्टी क्यादत को टिकट वापस करके पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की, जिनके जज्बों को सलाम पेश करता हूं। अपोजिशन के उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी क्यादत के साथ साथ मायूसी का इजहार किया। इन ख्याल का इजहार उन्होंने पीटीआई के मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी जफर अनवर की जानब से जिला भर के बल्दियाती उम्मीदवार के साथ मुनक़दा तकरीब से बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया।